अब यह 12वां सवाल देखिए, इसमें हमें मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, मूल्य का मतलब मान ज्ञात करना है कि यदि हम इसको हल करें तो इसका मान कितना आएगा। बराबर लगाएंगे और लिखेंगे log बेस 10। देखिए इस 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 5 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 3 × 5 = 15 होता है। फिर माइनस, अब यहाँ पर देखिए log बेस 10 मतलब log 10 यहाँ पर है, तो log 10 का मान हम जानते हैं कि 1 होता है। देखिए पिछले वीडियो में सारे सूत्र बता दिए गए थे, उन सूत्रों को याद करना जरूरी है तभी हम ये सवाल कर पाएंगे। ठीक है, तो हम जानते हैं कि log 10 का मान 1 होता है, तो हम इसकी जगह पर 1 लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर है माइनस, तो माइनस फिर है log बेस 10। अब देखिए 125 को हम 5³ लिख सकते हैं, क्योंकि 5 को अगर हम 3 बार गुणा कराएं तो यह देखिए 5 × 25 = 125 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर बराबर लगाएं, अब इसे हल करें, तो देखिए log बेस 10 तो है ही यहाँ पर, अब यह गुणे में है 3 × 5 है, मतलब log mn है, तो log mn को हम क्या लिखते हैं, log m प्लस log n। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख दें log बेस 10 3। ठीक है, इस गुणे की जगह पर प्लस log बेस 10 और यह 5। ठीक है, अब देखिए जो यह माइनस का 1 है इसे या तो यहीं रखें या उधर लिख दें, क्योंकि अब 1 को हल करने की हमें जरूरत तो है नहीं, तो इस 1 को हम उधर कर देंगे, पहले यह चीज लिख लें। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यह 3 × 5 है, तो हम जानते हैं कि जो घात होती है वह बाहर निकल आती है, मतलब यह हो जाएगा माइनस का 3 log 10 5। ठीक है, और जो यह 1 है इस 1 को हम माइनस 1 यहाँ पर लिख दें। ठीक है, माइनस का 1 था इसलिए माइनस का 1 यहाँ लिख दिया गया। अब देखिए जो 1 जैसे हैं जुड़ने या घटने वाले उनको जोड़ घटा लें, यहाँ पर देखिए log बेस 10 3 इसके जैसा और कहीं नहीं है। ठीक है, लेकिन log बेस 10 5 यहाँ पर है और यहाँ पर भी है। देखिए जैसा यह है वैसा ही यह है। ठीक है, फर्क सिर्फ इतना है कि ये माइनस के 3 है और ये प्लस का 1 है, तो 3 में से यह 1 घट जाएगा। ठीक है, तो 3 में से 1 घटेगा तो बचेगा माइनस का 2, क्योंकि 3 में से घटा रहे हैं और 3 है माइनस का। ठीक है, तो यह तो पहले लिखेंगे ही लिखेंगे log बेस 10 3 और माइनस का यह रह जाएगा 2 log बेस 10 5 और इधर माइनस का 1 है तो वहां लिख दें माइनस का 1। अब देखिए आंसर हमारा यह भी है। ठीक है, लेकिन यह आंसर उत्तर माला से मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो उत्तर माला का अगर हम आंसर लाना चाहते हैं तो इस 5 को हमें हटाना होगा, क्योंकि उत्तर माला में 5 नहीं आ रहा है। तो हम क्या करें, इस 5 को हटाने के लिए देखिए पहले जो यह है log बेस 10 3 इसको लिखा रहने दें, माइनस 2 log बेस 10। अब देखिए क्या हम इस 5 को 10/2 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि 10 को अगर हम 2 से भाग कराएंगे तो फिर यह 5 आ जाएगा, मतलब इसकी जगह पर हम यह चीज लिख सकते हैं। ठीक है, और माइनस का 1 है। अब देखिए इनमें से ये तो हल नहीं हो पाएगा, लेकिन यह हल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यह है 10/2, तो 10/2 को हम क्या लिख सकते हैं, log 10 माइनस log 2, तो इसको हम हल कर लें और इन दोनों को ज्यों के त्यों रखे रहने दें। ठीक है, तो यहाँ पर हल कर ले रहे हैं, बराबर देखिए log बेस 10 3 और अब देखिए हमें इसे 10/2 को 10 − 2 लिखना है। ठीक है, क्योंकि बटे में है, तो देखिए जो यह 2 गुणे में है यह दोनों के साथ रहेगा, क्योंकि 2 यह इसके साथ है और इसको हम कुछ और लिखने जा रहे हैं, तो 2 थोड़ी ना हम छोड़ देंगे, 2 भी तो इसके साथ रहेगा, तो यहाँ पर हम माइनस 2 लिख दें और इसे हम ब्रैकेट में रखें ताकि यह दोनों के साथ गुणा करा सके। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, log बेस 10 मतलब यहाँ पर 10 हो जाएगा और फिर माइनस जो यह बटे में 2 है यह माइनस में हो जाएगा, तो माइनस log बेस 10 और यहाँ पर 2। ठीक है, और जो यह माइनस का 1 है उसे भी यहाँ पर लिख दें। तो अब देखिए यह ब्रैकेट हम खोल लें तो जो यह 2 है यह दोनों के साथ हो जाएगा। ठीक है, मतलब दोनों से इसकी गुणा हो जाएगी, तो यह हो जाएगा log बेस 10 3 और माइनस
अब देखिए इस दो की गुणा हमें इसमें भी करानी है और इसमें भी करानी है। तो देखिए यह है log 10, ठीक है। तो log 10 का मान देखिए यहाँ पर एक रखा गया है, क्योंकि log 10 का मान होता है एक। तो क्या हम इसकी जगह पर एक नहीं लिख सकते हैं? तो इसका मान तो आ गया एक। तो दो की गुणा जब हम एक से कराएंगे तो दो अक्कम दो हो जाएगा, ठीक है। अब फिर देखिए इस दो की गुणा हमें इसमें करानी है, तो देखिए माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 2 और log बेस 10 2 और माइनस का एक, तो वह भी यहाँ पर लिख दे माइनस का एक। अब देखिए ये चीज और ये चीज तो हल नहीं हो पाएगी, लेकिन यह जो माइनस का दो है और माइनस का एक है यह तो जुड़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों माइनस के हैं, इसलिए माइनस का दो और माइनस का एक हो जाएगा माइनस का 3। और जो बचे हैं उनको लिख लें, अब इनको क्रम से लिख लें, तो पहले यह दो वाला लिख लें, बाद में यह तीन वाला लिख लेंगे, ठीक है। तो क्या है, प्लस 2 log 2, तो 2 log बेस 10 2, और जो यह log 3 है तो लिखें प्लस log बेस 10 3, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए आंसर हम यह भी रख सकते थे, ठीक है, उत्तरमाला के आंसर को लाने के चक्कर में ये किया गया है, ठीक है। तो अगर हम इतना नहीं करना चाहें तो आंसर हम यहाँ तक ही रख सकते हैं, ठीक है। तो अब इस 13वें सवाल में भी हमें मूल्य पता करना है, ठीक है, मतलब इसका मान ज्ञात करना है। बराबर देखिए log यहाँ पर है 12/7, तो 12/7 मतलब m बटा n है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, log m माइनस log n, मतलब यह हो जाएगा log 12 माइनस log 7, ठीक है। फिर प्लस, अब देखिए इसमें भी हम log 9 माइनस log 44 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यह 9/44 था, इसीलिए यह माइनस में टूटेगा। फिर माइनस, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, और हम इसे क्या लिखेंगे, log 27, और फिर क्योंकि यहाँ बटे में है इसलिए फिर माइनस लगाएंगे और log 77 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, ठीक है, और इतने को हमने दो टुकड़ों में तोड़ दिया है, ठीक है, और माइनस शुरुआत पर था, इसीलिए यह चीज ब्रैकेट के अंदर रहेगी। या हम अगर ब्रैकेट नहीं लगाना चाहते हैं तो डायरेक्ट इसे माइनस माइनस यहाँ पर प्लस का चिन्ह दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अगली लाइन में यहाँ पर प्लस बनेगा ही बनेगा। अब देखिए जिनके गुणनखंड हो सके उनके पहले हम गुणनखंड कर लें। तो हम जानते हैं कि इस 12 को हम 2 × 4 = 12 लिख सकते हैं, ठीक है, 2 × 4 = 12 होता है। तो यहाँ पर देखिए 2 आया है 2 बार, तो इसे हम डायरेक्ट 2 की घात 2 लिख दें। अब है log 7, तो 7 के गुणनखंड तो हो नहीं पाएंगे, तो 7 का 7 ही रखा रहने दें, ठीक है। फिर है प्लस log 9, तो 9 को हम 3 की घात 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 × 9, ठीक है। फिर माइनस log, अब देखिए यहाँ पर है 44, तो 44 को हम लिख सकते हैं 4 × 11, क्योंकि 11 × 44, और इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 4, ठीक है, और इस 2 × 2 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 2, ठीक है, क्योंकि 2 था 2 बार, इसलिए 2 की घात 2 लिख सकते हैं। फिर माइनस, अब यह ब्रैकेट खोल लें तो क्या हो जाएगा, log, अब इस 27 को हम लिख सकते हैं 3 की घात 3, क्योंकि 3 को जब 3 बार गुणा कराएंगे, 3 × 3 = 27 हो जाएगा, ठीक है। अब जब यह ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस रख दें। अब इस 77 को जब हम तोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 11 × 77, मतलब 7 × 11 लिख सकते हैं इस 77 को, ठीक है। अब फिर जिसे हल कर सकते हैं उसे हल कर लें, ठीक है। तो हम जानते हैं कि यह 2 की घात 2 और 3 गुणे में है, तो पक्का यह प्लस में टूटेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, log 2 की घात 2, ठीक है, और इस गुणे की जगह पर प्लस, फिर log 3 लिखेंगे, फिर है माइनस log 7। अब प्लस, हम जानते हैं कि जो यह घात 2 है यह बाहर आ जाएगी, ठीक है, सूत्र के अनुसार, तो 2 तो बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा 2 log 3, और फिर माइनस,
अब यहाँ पर देखिए दो टुकड़ों में टूटेगा, ये तो हो जाएगा 2 की घात 2 + log 11। ठीक है, लेकिन इससे पहले माइनस से जान चुके हैं कि जब किसी चीज को हम 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में तोड़ते हैं और उससे पहले माइनस हो तो उसे हम ब्रैकेट में रखेंगे अथवा जो चिन्ह आए उन चिन्हों को बदल सकते हैं तुरंत ही। ठीक है, तो देखिए ब्रैकेट में इसे हम इस प्रकार से लिखेंगे, log 2 की घात 2 और + log 11। लेकिन अगली बार में हमें फिर ब्रैकेट खोलना पड़ेगा तो यह माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो अभी ही ना कर लें, मतलब यह ब्रैकेट हटा दें और इस प्लस की जगह पर माइनस लगा दें। ठीक है, फिर माइनस, फिर देखिए माइनस है और इसको हम तोड़ेंगे तो है नहीं, तो मतलब इसे ब्रैकेट में रखने की जरूरत है ही नहीं हमें, तो यह घात 3 जो है यह बाहर आ जाएगी। ठीक है, तो इस 3 को बाहर निकाल लें तो क्या हो जाएगा, 3 log 3। ठीक है, फिर प्लस, अब देखिए यह फिर 7 और 11 गुणे में है, मतलब यह प्लस में टूटेगा तो क्या हो जाएगा, log 7 और + log 11। अब जो जुड़ घट सके उनको जोड़ घटा लें। अब देखिए हम जानते हैं कि जब एक लाइन बढ़ाएंगे तो यह जो घात 2 है यह इस प्रकार से हो जाएगा 2 log 2। ठीक है, फिर हमें बाद में जोड़ना पड़ेगा, तो ऐसा ना करते हुए जो यह घात 2 है इसे इसी लाइन में ही बाहर निकाल लें। ठीक है, तो यह ना करें और जो यह घात 2 है वह यहाँ पर लिख लें और यह घात यहाँ से हटा दें। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जो घात 2 है या फिर हमें अगली लाइन में बाहर निकालनी पड़ेगी घात, तो अभी निकाल लें, 2 हटा दें यहाँ से घात, वह 2 घात यहाँ पर लगा दें। ठीक है, अब देखें कि एक जैसे क्या क्या है। देखिए log 2 वाला और कहाँ है, एक तो यह है log 2 और देखें log 2 कहाँ है, एक यह है log 2 और देखें कहीं log 2 है और कहीं नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर है प्लस का 2 log 2 और यहाँ पर है माइनस का 2 log 2, मतलब एक जैसा है और प्लस माइनस का है। ठीक है, इसीलिए यह और यह कट जाएगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पर है माइनस का log 7, क्या और कहीं log 7 है, हाँ है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ है माइनस का log 7 और यहाँ है प्लस का log 7, तो यह और यह कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर log 3 है और यहाँ पर भी log 3 है, यहाँ पर भी log 3 है, तो इनको बाद में जोड़ घटा लेंगे, पहले देखें कट क्या क्या रहा है। अब देखिए यहाँ पर माइनस का log 11 है और यहाँ पर प्लस का log 11 है, मतलब यह और यह कट जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए सिर्फ हमारे पास सिर्फ log 3 वाला ही बचा है। ठीक है, तो कितने बचे हैं वो देख लें, तो बराबर देखिए यहाँ पर है log 3 एक ही है। ठीक है, और यहाँ पर है 2 log 3, तो प्लस का 1 यह है और प्लस का 2 log 3 यह है, तो 2 ये हो गए। ठीक है, और कहाँ पे है, यहाँ पर देखिए है माइनस का 3 log 3। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस का 3 log 3, तो 1 और 2 हो जाएंगे 3, प्लस के और माइनस के भी 3 हैं, तो प्लस और माइनस दोनों एक जैसे हैं इसलिए कट जाएंगे, तो यह रह जाएगा 0। या तो हम डायरेक्ट इसे काट दें ऐसे ही, या यहाँ पर पहले लिख लें बाद में काटें, तो 2 और 1 हो जाएंगे 3 log 3 और यहाँ पर माइनस का 3 log 3 है, तो यहाँ पर लिख दें -3 log 3। तो 3 log 3 में से अगर 3 log 3 घटाएंगे तो यह रह जाएगा 0 और ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो अब इस 14वें सवाल में भी हमें मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, मतलब इसका मान ज्ञात करना है, तो जो ये पहले बटे वाले हैं इनको पहले हम माइनस में कर लें। ठीक है, क्योंकि बटा वाला माइनस में तो हो ही जाता है, तो जानते ही हैं, तो पहले हम इसे माइनस में कर लें, तो क्या हो जाएगा, बराबर। अब देखिए हम जानते हैं कि इसे हमें 2 टुकड़ों में तोड़ना है। ठीक है, और गुणे में 3 है, तो यह 3 तो रहेगा ही रहेगा और साथ में इस 3 की गुणा दोनों से होगी, तो जब दोनों से गुणा कराएंगे तो हमें इसे ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3। अब देखिए इसे तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, log 14 और -log 16। ठीक है, बटे में था इसलिए यहाँ पर माइनस लगा दिया गया, फिर ब्रैकेट बंद।
अब यहाँ पर देखिए माइनस है और इसे हमें दो टुकड़ों में तोड़ना है, तो इसे हमें ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। अगर ब्रैकेट में नहीं रखना चाहते हैं तो हम चिन्ह तुरंत बदल सकते हैं, मतलब यह हो जाएगा लॉग 343 और माइनस लॉग 216। ठीक है, यहाँ पर माइनस होगा लेकिन ये चीज हमें रखनी थी ब्रैकेट में। ठीक है, तो तुरंत ब्रैकेट भी खोल लें। ठीक है, तो जब ब्रैकेट खुलेगा तो जो यह माइनस था यह माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा। ठीक है, अगर ब्रैकेट में रखेंगे तो यहाँ पर माइनस ही रखेंगे। ठीक है, फिर प्लस तो प्लस, अब देखिए अब यहाँ तो प्लस है, ब्रैकेट में रखने की जरूरत तो है नहीं, तो यह हो जाएगा लॉग 64 और माइनस लॉग 9 और यहाँ है लॉग 1/3, तो यह हो जाएगा प्लस लॉग 1 माइनस लॉग 3 बराबर 3। अब जिसे हल कर सकते हैं उसे हल कर लें, तो हम जानते हैं कि इसके हमें गुणनखंड करने पड़ेंगे। ठीक है, ताकि बाद में हम सूत्र का प्रयोग करके इन्हें हम हल कर सकें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा लॉग, इस 14 को हम 2×7 लिख सकते हैं क्योंकि 7×2=14, फिर माइनस, फिर देखिए माइनस और लॉग, तो अब इस 16 को हम क्या लिख सकते हैं 2^4। ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम गुणनखंड करेंगे तो वो गुणनखंड हमारे अभाज्य गुणनखंड होने चाहिए, मतलब 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। ठीक है, .. इस प्रकार से गुणनखंड होने चाहिए, मतलब ये संख्याएं हमारी अभाज्य संख्याएं हैं, ये किसी के पहाड़े में नहीं आती हैं, इसीलिए इनको हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है, मतलब यह खुद से और एक से ही कट सकती हैं, तो गुणनखंड जब भी हम किसी का करेंगे तो इन्हीं में से किसी से करेंगे। ठीक है, अब फिर माइनस, यहाँ पर 343 जो है इसे हम 7×7×7 लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि 7×7=349 होता है, तो इस 343 को हम 7^3 लिख सकते हैं। ठीक है, फिर प्लस, प्लस लगाएंगे, फिर देखिए लॉग 216 जो है इसे हम 6^3 लिख सकते हैं क्योंकि 6×6=36 और 36×6=3, 6×3=18, 3×3=21। ठीक है, 216 हो जाता है, तो यहाँ पर देखिए 6^3 हो जाएगी, बट अभी हम जान चुके हैं कि हमें जब भी गुणनखंड करने होंगे वो अभाज्य गुणनखंडों में करने होंगे। ठीक है, तो 6 तो अभाज्य संख्या है नहीं, ठीक है, क्योंकि यह 2 और 3 के पहाड़े में आती है, तो 216 के हम गुणनखंड कर लें, तो जब 216 के गुणनखंड करेंगे तो 2×2=0, 2×8=16, फिर 2 से काटेंगे 2×5=10, 2×6=8, फिर 2 से काटेंगे तो 27 आएगा, अब यह 27 3 से कटेगा तो 3×9=27, फिर 3 से काटेंगे 3×3=9, फिर 3 से काटेंगे तो 3×3=3, मतलब 2 आया 3 बार और 3 भी आया 3 बार, तो हम इसे लिख सकते हैं 2^3×3^3। ठीक है, अब फिर प्लस, प्लस, अब देखिए लॉग 64, तो 64 को हम जानते हैं कि 4^3 लिख सकते हैं क्योंकि 4×16=64 होता है, पर 4 भी एक भाज्य संख्या है। ठीक है, तो हम 4 का भी नहीं रखेंगे, तो हम देखते हैं कि 64 के अभाज्य गुणनखंड क्या आएंगे, तो 2×3=6, 2×2=4, 2×16=32, 2×8=16, 2×2=4, 2×2=2। ठीक है, मतलब 2 कितनी बार आया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 2 आया है 6 बार। ठीक है, 2×4=8, 2×16=32, 2×64, तो 2 कितनी बार आया है 6 बार, तो इस 64 को हम लिख सकते हैं 2^6। ठीक है, और फिर माइनस, तो माइनस, फिर लॉग 9, तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3^2 क्योंकि 3×3=9 और लॉग है यहाँ पर 1 और हम जानते हैं कि लॉग 1 का मान होता है 0। ठीक है, तो इसकी जगह पर हम प्लस 0 लिख सकते हैं। ठीक है, और माइनस का लॉग 3, अब फिर जिसे हल कर सकते हैं उसे हल करेंगे, तो बराबर, अब देखिए ब्रैकेट के अंदर यह है गुणे में। ठीक है, तो जब गुणे में है तो यह प्लस में टूटेगा, मतलब यह हो जाएगा लॉग 2 और प्लस लॉग 7। ठीक है, टूट गया, और माइनस, अब देखिए यहाँ पर घात 4 है, मतलब यह घात जो 4 है बाहर निकल आएगी।
ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4 log 2 ब्रैकेट बंद, या हम 3 की अभी गुणा करा लें या बाद में करा लेंगे, ठीक है। फिर माइनस, देखिए यह भी 3 घात है, तो यह 3 घात बाहर निकल आएगी, तो क्या हो जाएगा 3 log 7। फिर प्लस, अब यहाँ पर देखिए 2 की घात 3 और 3 की घात 3 यहाँ गुणे में है, मतलब यह प्लस में टूटेगा, तो क्या हो जाएगा log 2 की घात 3, ठीक है। यह जो 3 है इसे चाहे तो हम अभी से ही बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अगली लाइन में हमें बाहर तो निकालना ही पड़ेगा इस घात को, तो यहाँ से यह घात हटा दें, यह घात जो 3 थी वह यहाँ पर लिख दें, ठीक है। फिर यहाँ इस गुणे की जगह पर प्लस लगाएंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा log 3 की घात 3, ठीक है। फिर जो यह घात है इसे यहाँ से हटाकर हम यहाँ लिख दें, ठीक है, क्योंकि हमें बाद में तो हटानी ही पड़ेगी। प्लस, फिर यह भी घात है 6, तो यह घात जो 6 है बाहर निकल आएगी, तो 6 log 2 हो जाएगा। अब फिर माइनस, यहाँ पर देखिए जो घात 2 है यह फिर बाहर निकल आएगी, तो हो जाएगा 2 log 3, ठीक है। अब इस जीरो को हटा दें, ठीक है, क्योंकि किसी भी चीज में अगर हम जीरो जोड़ेंगे तो उसकी वैल्यू उतनी की उतनी ही रहेगी, ठीक है, तो यह जीरो ना लिखें, हटा ही दें। और इधर क्या बचा है, माइनस का log 3। अब देखिए, अब हम यह ब्रैकेट खोल लें, तो जब हम यह ब्रैकेट खोलेंगे तो 3 की गुणा ब्रैकेट के अंदर जितने हैं सभी से होगी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 log 2, फिर प्लस, फिर इस 3 की गुणा इसमें होगी, तो 3 log 7, फिर माइनस, अब 3 की गुणा 4 से कराएंगे, तो 3 चक्कू 12 log 2, फिर माइनस 3 log 7, फिर प्लस, देखिए यहाँ पर है log 2, क्या और कहीं log 2 है, हाँ एक यह log 2 है, एक यह log 2 है, तो देखिए यहाँ पर है 3 log 2 और यहाँ पर है 6 log 2, मतलब यह हो गया 6 और 3 9 log 2, तो प्लस 9 log 2 लिख सकते हैं इसे, ठीक है। और 3 वाले देखें, अब देखिए यहाँ पर log 3 है और यहाँ पर भी log 3 है और यहाँ पर भी log 3 है, तो देखिए यह है प्लस का 3 log 3 और ये है माइनस का 2 log 3 और माइनस का 1 log 3, तो ये तो जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों माइनस के हैं। पहले हम इसे लिख लें 3 log 3 और जो यह दोनों माइनस के हैं इन्हें जोड़ लें, तो 2 और 1 3, वो भी माइनस का क्योंकि दोनों माइनस के हैं, तो माइनस 3 log 3 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए एक तो log 2 यह है और एक log 2 यह है और एक log 2 यह है, तो देखिए तीनों में डबल चिन्ह किसका है, इस प्लस का, यहाँ प्लस का 9 है, यहाँ प्लस का 3 है, मतलब यह हो जाएगा 12, ठीक है, 9 3 12 log 2 और ये है माइनस का 12 log 2, तो यहाँ पर लिख दें माइनस 12 log 2, ठीक है, 2 वाले से तो निपट गए। अब 2 के बाद 3 वाले से निपटते हैं, ठीक है, तो क्या log 3 कहीं है, हाँ यहाँ पर है log 3, यहाँ पर log 3 है, यहाँ पर log 3 है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 3 log 3 प्लस के हैं और यहाँ माइनस के 3 log 3 हैं, मतलब ये और ये कट जाएगा, ठीक है। तो 3 से भी निपट गए, 2 से भी निपट गए, अब हमारे पास गुणनखंड में और क्या है, 7, तो यहाँ पर देखिए प्लस का 3 log 7 है और यहाँ पर है माइनस का 3 log 7, मतलब यह और यह भी कट जाएगा, एक जैसा है और प्लस माइनस के हैं, ठीक है। तो अब ऊपर तो कुछ बचा नहीं है लिखने या काटने के लिए, ठीक है, अब हमारे पास सिर्फ ये बचा, तो हम जानते हैं कि जब 12 log 2 में से 12 log 2 घटाएंगे तो यह भी कट जाएगा, मतलब यह आ जाएगा 0, ठीक है, तो इसका आंसर भी 0 ही होगा। तो देखिए जो यह 15वां सवाल है, कह रहा है सिद्ध करो कि इतने बराबर log 2, और जो यह 16वां सवाल है कह रहा है सिद्ध करो कि इतने बराबर log 2, ठीक है। तो इन सवालों का वीडियो तो ऑलरेडी बन चुका है क्योंकि ये दोनों सवाल 2018 और 2019 के पेपर में आए हुए हैं और इन सवालों का वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं, ठीक है। तो यदि आप इन्हें कर सकते हो, ठीक है, तो कर लीजिए, अगर नहीं कर सकते हो तो आपको क्या करना है, जहां से आप यह वीडियो देख रहे हैं वहां पर लिखा होगा।
कोचिंग एंड एंटरटेनमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा फोटो होगा, आपको इस फोटो पर क्लिक करना है, ठीक है। तो जैसे ही आप इस फोटो पर क्लिक करेंगे तो आप चैनल पर चले जाओगे, ठीक है। तो जब चैनल पर चले जाओगे तो वहाँ पर आपको नीचे आना है, ठीक है। तो जब नीचे आओगे तो वहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, पेपर में आए हुए सवालों का हल। तो जब यह प्लेलिस्ट खोलोगे तो इस प्लेलिस्ट में आपको जो 2018 और 2019 का जो पेपर है, मतलब पूरा पेपर हल किया गया है 2018 और 19 का, ठीक है। आपको यह देखना फायदेमंद होगा, ठीक है, क्योंकि आप यह भी जान जाओगे कि पेपर आता कैसा है, ठीक है, और किस प्रकार के सवाल आते हैं। तो यदि इन सवालों का हल देखना चाहते हो तो जो प्रक्रिया बताई गई है वही करिए और इन सवालों का हल देख लीजिए, ठीक है। तो अब अगला सवाल करते हैं 17वां। तो अब इस 17वें सवाल में इतने का हमें मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए इसमें भी ये बटे में है, ठीक है, मतलब यह माइनस में टूटेगा, तो क्या हो जाएगा, बराबर लॉग, यह है 15/2, मतलब यह हो जाएगा 15 माइनस लॉग 2, ठीक है, लॉग 15 माइनस लॉग 2, और प्लस ये भी 9/7 है, मतलब 9 माइनस 7 हो जाएगा, फिर माइनस, अब फिर देखिए इसमें भी वही चीज आ गई है, मतलब माइनस लगा हुआ है और हमें इसे दो भागों में तोड़ना है, ठीक है। तो इसे या तो ब्रैकेट में रखें या साथ में जो माइनस आएगा उसे प्लस बना लें, ठीक है, मतलब यह हो जाएगा लॉग 135 और माइनस लॉग 14। तो यह ब्रैकेट यदि खोलना चाहते हैं तो अभी खोल लें, मतलब इस माइनस की जगह पर हमें प्लस लिखना होगा, मतलब यह ब्रैकेट हटा दें और इस माइनस की जगह पर प्लस का निशान लगा दें, ठीक है, और ब्रैकेट हमारा खुल जाएगा। अब देखिए जिसके गुणनखंड हो सके उसके गुणनखंड कर लें। तो देखिए यहाँ पर लॉग 15 है, ठीक है, तो 15 को हम जानते हैं कि 3×5 लिख सकते हैं ना, फिर माइनस लॉग 2 है तो 2 का तो 2 ही रहेगा, फिर प्लस, अब देखिए यहाँ पर है लॉग 9, तो 9 को हम लिख सकते हैं 3×2, फिर माइनस लॉग 7, तो लॉग 7, फिर माइनस, फिर देखिए लॉग 135 है तो 135 के गुणनखंड हम कर लेते हैं, तो यह 3 से कट जाएगा, तो पहले 3 से काटें तो हो जाएगा 3×12, 3×5 15, फिर 3 से काटेंगे तो 15×3 45, फिर 3 से काटेंगे तो 3×5 15, फिर 5 से काटेंगे तो 5×5, ठीक है। तो 135 के गुणनखंड आए 3×3×3×5, मतलब 3×3 9, 3×3 27, 27×5 135, तो यहाँ 3 आया है 3 बार, ठीक है, मतलब इससे हम लिख सकते हैं 3×3, और 5 आया है 1 बार, तो यहाँ पर × 5, ठीक है। और अब प्लस, फिर लॉग 14 है तो लॉग 14 को हम 2×7 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 2×7 14 होता है। अब जिसे हल कर सकते हैं उसे हल कर लें। तो देखिए यह 3 और 5 तो गुणे में है, मतलब यह प्लस में टूटेगा, ठीक है, तो हो जाएगा लॉग 3 प्लस लॉग 5, फिर माइनस लॉग 2, और फिर प्लस, अब देखिए यहाँ पर घात 2 है 3 की, मतलब यह जो घात 2 है यह बाहर निकल आएगी, ठीक है, तो 2 लॉग 3 हो जाएगा, फिर माइनस लॉग 7, ठीक है, और फिर माइनस, अब यहाँ पर ध्यान देना है ये कि यहाँ पर माइनस है और इसे हमें प्लस बनाना है इस गुणे को, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो हमें इसे ब्रैकेट में रखना होगा, तो क्या हो जाएगा लॉग 3×3, ठीक है। अब हम जानते हैं कि यह घात है, तो इस घात को हम यहाँ ना रखकर यहाँ पर रख लें, क्योंकि इसे लाना तो पड़ेगा ही बाद में बाहर, ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं, फिर यहाँ पर गुणे की जगह प्लस लगाएंगे तो प्लस, फिर क्या हो जाएगा लॉग 5 और ब्रैकेट में बंद। अब देखिए क्योंकि हमें अगली लाइन में ब्रैकेट खोलना पड़ेगा तो अभी ही ब्रैकेट खोल लें, ठीक है, मतलब अंदर वाले चिन्ह बदल दें, क्योंकि माइनस से बाहर, मतलब जब यह ब्रैकेट खुलेगा तब इस प्लस की जगह पर माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब फिर हमारे पास है 2×7, मतलब यह प्लस में टूटेगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा प्लस लॉग 2, फिर इस गुणे की जगह पर प्लस लॉग 7। तो अब जो कटने वाला है उसे काट दें और जो जुड़ने वाला है उसे जोड़ लें। तो यहाँ पर देखिए माइनस का लॉग 7 है और यहाँ पर प्लस का लॉग 7 है, मतलब यह और यह कट जाएगा,
ठीक है। यहाँ पर देखिए प्लस का लॉग 5 है और यहाँ पर माइनस का लॉग 5 है, मतलब यह और यह कट जाएगा, ठीक है। और देखिए माइनस का लॉग 2 है और यहाँ प्लस का लॉग 2 है, मतलब यह और यह कट जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, देखिए यहाँ एक लॉग 3 है, यहाँ पर लॉग 3 है और यहाँ पर लॉग 3 है, मतलब लॉग 3 हमारे पास 3 है। तो दो चिन्ह किसके एक जैसे हैं, तो ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, जबकि यह माइनस का है, तो मतलब पहले प्लस वाले हम जोड़ लें, तो यह प्लस का 2 है, यह प्लस का 1 है, तो यह हो जाएगा 2 और 1 3, मतलब 3 log 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस का 3 log 3 है, तो इसे लिख दें माइनस 3 log 3, ठीक है। अब देखिए पुनः ये एक जैसे हैं और प्लस माइनस के हैं, मतलब ये भी कट जाएंगे, ठीक है। तो क्या हमारे पास बचेगा, 0। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर।